This is, you know, something very important today we're going to talk about is, and this is regarding the, you know, sleep desk patient, and he is the patient here, and a wonderful thing which he asked me, you know, which, you know, many a times other patients have also asked me about, but, you know, I have thought this is a worthwhile idea, and it's the right time to answer him and catch this on camera today. So I'd like him to, you know, just repeat his question. What? So basically the question is, was very simple, that whenever you have a slip disc as a common person, the yes. thing that comes to my mind is that अंदर या नीचे मत झुकिए, आगे झुकने के लिए ऐसा कुछ भी काम मत कीजिए जहाँ पे आपको झुकने की जरूरत पड़े, झुकना पड़े तो भी एटलीस्ट कमर को स्ट्रेस मत दीजिए, बैठ जाइए, अपने पैरों का यूज कीजिए. बट आउट हियर दिस इज माय थर्ड सेशन एंड यहाँ द फर्स्ट प्रैक्टिस इज जस्ट टू टेस्ट कि प्रॉब्लम कितना है. वी नॉर्मली बेंड डाउन एंड मुझे दो दिन में ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट भी दिखे हैं विद दैट थिंग, बट समहाउ दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि झुकना चाहिए तो इससे कहीं मैं अपनी फीट को ज्यादा डैमेज तो नहीं हो जाएगा. तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज देयर इन माय माइंड, और इसीलिए मैं अभी करने से पहले आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा था. यस यस. एंड यू नो जैसे आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसी टाइम हमें भी आइडिया क्लिक करता है कि हम किस चीज़ पे वीडियो बनाएं. जो आप पूछते हैं हमारा भी उसमें से फिर वो निकल के आता है. हालांकि मैं सुबह से शाम तक कई लोगों को बता चुका हूँ, पिछले 23 साल में कई लोगों को इसमें समझा चुका हूँ कि हम आपको आगे झुकाएंगे और आपको आगे झुकना भी चाहिए, लेकिन उस पे वीडियो बनाने का, जैसे आज आपने मेरे से पूछा तो मेरे दिमाग में आया कि इसके ऊपर ये वीडियो तो बनता है. ओके. डिस्क हुई आगे झुकने से ही. आप आगे झुके थोड़ा, उसमें क्या है कि आप थोड़ा आगे झुके, थोड़ा ट्विस्ट हुए, और हो सकता है आपने शायद कुछ लिफ्टिंग ट्राई करी हो. जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स है उस टाइम डिस्क बाहर निकलने को होती है. राइट. अब आपको सबने मना भी करा होगा कि आप डिस्क आपको हो चुकी है तो आप आगे ना झुकें, आप अपनी बॉडी को जो स्पाइन को जो आगे की तरफ बेंड नहीं करना है. और जब आपने आके देखा भी तो मैं सबसे पहली टेस्टिंग ही मैंने आपसे ये कराई कि ठीक है आप आगे झुकिए और देखते हैं आप कहाँ तक जा पाते हैं. एंड वी डू दिस एट लीस्ट 2 to 3 times इन द एंटायर 1 hour सेशन. यस. ताकि हम इसलिए करते हैं, बार बार चेक करते हैं कि आप जब आए तो कितनी मूवमेंट थी, सेशन के बाद वो मूवमेंट कुछ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हो सकता है बड़ी ना भी हो तो पेन फ्री हुई क्या, या वॉज इट मोर इजी नाउ, और मे बी द कोऑर्डिनेशन व्हेन यू आर गेटिंग अप इज बेटर नाउ. तो वो चीज़ हम लोग चेक करते रहते हैं, तो हर सेशन में वो 2-3 बार जो चेक कर लेते हैं इसलिए चेक करते हैं. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ, कि जब सब मना कर रहे हैं कि आगे नहीं झुकना है तो आप यहाँ पे फॉरवर्ड बेंडिंग क्यों करा रहे हैं. राइट. डिस्क जब हम आगे झुकते हैं तो पीछे की तरफ खिसक जाती है, जब हम पीछे झुकेंगे तो आगे की तरफ खिसक जाती है. ये एक नॉर्मल बायोमैकेनिक्स है. राइट. अब इसके अंदर क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ आ जाती है कि डिस्क आपकी जो पीछे निकली भी है, जब मैं आपको क्लिनिकली चेक करता हूँ तो कितनी निकली हुई है, मेरे को एक आइडिया लग जाता है. मैं आपको कभी भी पेनफुल रेंज में जाने के लिए नहीं बोलूँगा, ना ही आई विल यू नो गिव दिस एज अ चैलेंज टू यू कि आप आगे झुको. No, go and touch your toes. मेरे instructions. जब तक easily, yes, yes, yes. तो जितना आप easily जा सकते हैं आप easily जाइए. जहाँ आपको discomfort लगता है तो वहाँ पे आपने रुक जाना है. तो मेरे को एक आइडिया क्लिनिकली एक चेक पता चल जाता है कि अच्छा ये डिस्क इतनी निकली हुई है क्यों, क्यों आपकी MRI हो सकता है मुझे बहुत बड़ी डिस्क दिखाए, लेकिन हो सकता है क्लिनिकली आपको प्रॉब्लम ही ना हो. यस, वो ऐसा भी होता है. डिस्क हो सकता है सर मेरी भी निकली हुई हो लेकिन मुझे कोई सिम्टम नहीं है. राइट. तो अंटिल एंड सिम्टम नहीं है तो हमने ट्रीटमेंट फिर करने का कोई मतलब नहीं है. तो क्लिनिकली हमें पता चल जाता है कि डिस्क कौन से लेवल की निकली हुई है, कौन से कितनी ज़्यादा निकली हुई है, वो चीज़ हमें एक आइडिया लग जाता है जब हम आपको फॉरवर्ड बेंडिंग कराते हैं. एक चीज़. दूसरा, उसी के बाद तुरंत हम आपसे फिर बैकवर्ड बेंडिंग भी करा लेते हैं. बिल्कुल. तो हमें बैकवर्ड का भी जितना जो एक एक्सटेंशन का जो है आइडिया लग जाता है कि इतना मूवमेंट आपकी स्पाइन के अंदर है. हो सकता है मैं शायद कुछ डिरेंजमेंट क्रिएट कर दूँ, वो भी बहुत ही एक्यूट केस में जब मैं आपको फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए करा रहा हूँ. और लेकिन जब मैं आपको एक्सटेंशन करा लेता हूँ तो मैंने एक तरह से उसको बैलेंस भी कर लिया. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब मेरे को क्लिनिकली ही लग रहा है कि ये आदमी चल ही नहीं पा रहा है तो फिर मैं उसको नहीं बोलूंगा कि भाई आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे. वहां मुझे दिख ही रहा है कि ये बहुत एक्यूट केस है, उसको मैं, ये रिस्की है प्रोसीजर. तो अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप आगे झुकते हैं
तो एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं लंबो पेल्विक रिदम, जिसका मतलब क्या है, जब आप आगे झुके तो आप पहले इधर से झुके, फिर इधर से झुके, फिर इधर से झुके, फिर इधर से झुके, लेकिन अगर डिस्क होगी तो आपका झुकने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। डिस्क है, आप नहीं झुक पा रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे को जैसे आपका दिखेगा कि आपका जो रिदम है स्पाइन का वो प्रॉपर नहीं है, तो मैं आपको पहले मना कर दूंगा, सर आप आगे ना झुको। ओके, लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड एवरीथिंग। या लॉट्स ऑफ साइंस। नाउ कमिंग बैक अगेन टू योर दिस थिंग, कि सारी जगह तो मना करा कि फॉरवर्ड बेंडिंग मत करो, हम क्या है सर पेशेंट को ये बोल बोल के इतना डरा देते हैं कि आगे नहीं झुको, कि वो बेचारा जो है ना, मतलब स्पाइन को ऐसे ना स्टिफ समझ के ही काम करता है, स्टिफ लेके ही चलता है, फिर इतना उसके ना दिमाग में हम इतना ज़्यादा भर देते हैं। नो डाउट एक एट अ पॉइंट वो इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन सिर्फ एक्यूट केसेस में, जब क्रोनिक हो जाए तब वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब हमने बॉडी की जो मोबिलिटी है उसे रोकना नहीं है, फॉरवर्ड बेंडिंग हमने आपकी बंद नहीं करनी है, हमने उसको रीप्रोग्राम समथिंग रीप्रोग्राम करना है, ताकि आपकी जो कोर है और आपकी जो बाकी बॉडी है उसको सबको यूज़ करके पूरा कोर आप एम्ब्रेस करके आप फॉरवर्ड बेंडिंग करें। अगर हम आपकी बेंडिंग रोक देते हैं तो हम आपकी बॉडी को और भी डिसफंक्शन में डाल देंगे, डिसफंक्शन डिसयूज में डाल देंगे, वो स्टिफ होती चली जाएगी, देन ओवरऑल मसल्स भी ओवरऑल यस देन इट विल क्रिएट डिसयूज एट्रॉफी, मसल्स भी जो उनका जो कोऑर्डिनेशन है यू माइट लूज दैट ऑल्सो, एज अ रिजल्ट यू विल लैंड अप विद ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड लंबर स्पॉन्डिलोसिस, अभी नहीं कुछ 2-5 साल के बाद। सो द होल आइडिया इज वी नीड टू इंक्रीज द मोबिलिटी इन द बॉडी, आपकी मोबिलिटी आगे की भी, आपकी मोबिलिटी पीछे की भी, और जैसे हमने आपको थोरासिक का चेक करते हैं तो वी टेन टू चेक आउट कि आप इस तरफ कितना घूम पा रहे हैं, सो वी नीड टू क्रिएट मोबिलिटी फॉर यू। मोशन इज लोशन इन दिस, जितना मोशन रहेगा उतना लोशन, दैट इज एक्ट यू नो एज अ रेमेडी। अगर हम आपकी सब रिस्ट्रिक्ट ही कर देंगे, बॉडी को स्टिफ ही कर देंगे, जिस दिन आपने बॉडी यूज़ करी, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप यूज़ नहीं करेंगे, आफ्टर ऑल यू नो आप काम तो करेंगे ना, वी वांट यू टू बी मोर फंक्शनल। अगर हम आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो आपकी बॉडी यू नो नॉन फंक्शनल फेज में चली जाएगी, बट उसका वैसे भी कोई यूज़ नहीं है फिर। और जिस दिन आपने यूज़ करी, आपने जिस दिन आपने फॉरवर्ड बेंडिंग करी, उस दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्टिफनेस की वजह से कहीं और प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। सो वी वॉन्ट टू इंक्रीज द मोशन, वी वॉन्ट टू इंक्रीज द मोबिलिटी इन योर बॉडी, the whole spine shall be more mobile. ऐसा नहीं है, मैं acute case में disc के केस में से बोलूँगा कि अब आप आगे झुक के देखिए, मुझे पता है पीछे निकल जाएगी, वो नहीं करूँगा मैं, लेकिन मैं जब आपको बोलूँगा तभी जब मेरे को पता है कि अभी ये कौन सी स्टेज में है, और उसके बाद फिर हम जनरली क्या करते हैं कि ना आपके ना कोर ट्रेनिंग करा देते हैं हम, ये सारा एक सिलेंडर है कोर का, सारा आपके स्पाइन के ना पूरा आसपास लगा हुआ है, तो उन मसल को जब हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और फिर जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, द थिंग्स डोंट गेट मैलाइन, देन फिर डिस्क बाहर नहीं निकलती। ये स्ट्रांग रहेगा फिर डिस्क बाहर नहीं निकलेगी। हाँ, और एक चीज़ आपने और भी मेंशन करी थी कि दूसरा क्वेश्चन ये था कि अजम्पशन ये कि डिस्क जो है एक बार बाहर निकल गई तो शायद अंदर जाती है या नहीं जाती है, उस पर अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या वो अंदर बाहर होती रहती है या एक बार निकल गई तो वहीं पर रहेगी और धीरे धीरे बॉडी को उसको एडजस्ट करना होगा। यस, अपना डिस्क के दो पार्ट है, एक बाहर का पार्ट है एक अंदर का पार्ट है। जैसे प्याज के छिलके हैं तो बाहर जैसे आप छीलते जैसे जैसे चले जाएंगे तो आप अंदर प्याज के अंदर पहुँचते चले जाते हैं, तो अंदर का जो पार्ट है उसको हमने बोल दिया न्यूक्लियस पल्पोसस, बाहर को बोल दिया एनुलस फाइब्रोसस। बाहर का जो पार्ट है ये हार्ड पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है वो न्यूक्लियस पल्पोसस, मतलब वो बिल्कुल पल्पी है, जेल के जैसे है। अगर ये जेल बाहर निकल आता है, अंदर का जो पार्ट है डिस्क का ये बाहर निकल आता है, उसको हम अंदर भेजना और उसको करना बहुत मुश्किल और बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जाता तो कुछ कुछ वो भी अंदर सक इन हो जाता है, लेकिन उससे भी इजी काम जो हम मतलब बेसिकली जिस पे खेलते हैं कायरोप्रैक्टर, हम क्या खेलते हैं एनुलर डिस्क पे, एनुलर कौन सा जो बाहर वाला पार्ट है वो हार्ड पार्ट है, जैसे ये नोज का कार्टिलेज हो गया कुछ कुछ ऐसा ऐसा है वो, तो ये पार्ट जो है हार्ड है, तो ये फोर्स से मैलेलाइन भी हो सकता है और ये ठीक भी हो सकता है।
डेस्क में क्या है, अब देखिए ये जो है ना मेरा एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ये ना प्याज के छिलकों की तरह ऐसे उसका जो बाहर का पार्ट है वैसे प्याज के छिलकों से इंटरक्रॉस हो रखा है। अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है, ये प्याज के छिलके ना थोड़े से मैलेलाइन हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, या डेस्क का जो बाहर का पार्ट है या ये ऐसे हो जाएगा। तो मेरा मैंने क्या करना है कि जॉइंट को इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि इसका जो मैलेलाइनमेंट ये हो रखा था प्याज के छिलके का डेस्क का, तो मैंने झटका दिया थोड़ा सा तो वापस आ गया। ओके हाँ, तो और जब भी ऐसा होता है तो एक्चुअली में बल्ज भी हो रखा होता है, मतलब क्रॉस फाइबर्स तो इनका ख़राब हो ही गया, ये थोड़ा सा ना बल्ज भी हो रखा है। जब मैं ये ठीक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली द डेस्क इज गोइंग टू सक्ट गेट सक्ट इन। थैंक यू। बट इसके साथ साथ हम ये तो ज़रूर बोल देते, लेकिन फिर भी आपको कुछ अगर हैवी उठाना है तो आप हमेशा यू नो यू आर एक्सपेक्टेड टू बेंड एट द नीज एंड देन लिफ्ट इट, जहाँ आप इट इज़ गुड, यस इट इज़, व्हाई बिकॉज द स्पाइन इज एक्चुअली नॉट मेंट फॉर लिफ्टिंग, द बट मसल्स द थाई मसल्स दे आर मेंट फॉर लिफ्टिंग, लेट्स यू आर पिकिंग एनीथिंग हैवी तो फिर आप नीचे बैठ ही जाइए, नीचे बैठ जाइए, यू नो होल्ड ऑन टू द ऑब्जेक्ट, कीप इट क्लोज टू द बॉडी एंड देन यू गेट अप। These muscles are meant for the buttock muscles and thigh muscles and the leg muscles. They are meant to take the weight. हम गलती क्या कर जाते हैं, हम आगे झुक जाते हैं। सी आगे झुक गए, जब हम उठाने की कोशिश करते हैं हमारा तो बट तो उसमें काम इतना कर नहीं पाता है, हमारा सारा लोड जो है बैक पे आ जाता है फिर। सो लिफ्टिंग हाँ, ऑलवेज ऑलवेज बेंड, इवन जैसे घर में आप बाल्टी उठा रहे हो या कुछ और सामान उठा रहे हैं तो हमेशा बच्चों को उठा रहे हैं, स्पेशली बच्चों को उठा रहे हैं, बच्चों को उठाने का बहुत बड़ी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बताते हैं कि सर बच्चे को ना ऐसे उठाया तो एकदम से प्रॉब्लम हो गई। तो क्या करना है, बच्चे को ना नीचे बैठना है, हग करना है और फिर उठाना है। जितना हम दूर भी रखेंगे बच्चे को, जितना ये लेंथ हो गई तो ये लिवरेज जो है ये स्ट्रेन डालती है हमारी बैक पे, तो उसको जितना हग करके आप उठाएंगे उतना अच्छा रहेगा। मेरी 4 साल की बेटी है, उसको ढंग से उठाओ। यस सर, सर ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब क्या है ना, बच्चा है, बच्चे के साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन है जी। है ना, तो अब हम चाह के भी बच्चे को ना उठाएं ये पॉसिबल नहीं है। बट वी कैन डू इट द राइट वे, या बट वी कैन डू इट द राइट वे। एक चीज़ लास्ट में, एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा, जो मैंने ये वाला बोला कि आगे नहीं झुकना है, इस तरीके से उठाना नहीं है, इसके लिए ना एक सोशली भी इसका ना एक वो है एंगल सोचने का। देखिए अब मैं कैमरे के सामने आपको दिखाता हूँ क्या चीज़। डज दिस लुक्स गुड, या लुकिंग एट माई बट डज दिस लुक्स गुड, नो इजंट दैट। सो ये सोशली भी एक्सेप्टेबल नहीं है और फिजिकली भी हमारी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। डू इट द राइट वे, अदरवाइज यस यस एंड आई एम थैंकफुल टू द वॉचर्स viewers also who watched us and this video is actually not meant for a therapist or a chiropractor or an osteopath or any manual therapist. They all know about this and they have been preaching this, you know, must be preaching this all throughout their life. This is actually meant for a layman. Thanks for watching.